एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में बाल भारती पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ देखेंगे, पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड पीपीआरटी के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करना है सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। पिक्चर जो एडवर्टीजमेंट है उसकी इमेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ही मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी, वहाँ से इजीली आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड हिंदी के लिए, जिसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, बाल भारती पब्लिक स्कूल में जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें परमानेंट पोस्ट भी निकलती हैं। जैसे अगर आप 1 ईयर कर लेते हैं इसमें काम, तो उसके बाद आपका परमानेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। और साथ ही में इसमें एवरी ईयर जो है इंक्रीमेंट होते हैं आपकी सैलरी में, तो ये काफ़ी अच्छी इसमें बेनिफिशियल है जॉब करना। तो जो भी आपकी सैलरी बनती है उसमें आपका हर मतलब ईयरली इसमें जो है इंक्रीमेंट दिया जाता है। ठीक है, और तो ये बाल भारती पब्लिक स्कूल जो है ये कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप निषादपुरा भोपाल मध्य प्रदेश की रिक्रूटमेंट है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा ईमेल आईडी दिया हुआ है। स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड आईटी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट के लिए। हेडमिस्ट्रेस के लिए रिक्रूटमेंट है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, कंसर्न इक्विवेलेंट होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, इसके अलावा विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका होना चाहिए। पीजीटी का मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी के लिए सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है, मास्टर्स डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ ही में बीएड होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया हुआ है। पीआरटी में आपका इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड ईवीएस के लिए रिक्रूटमेंट है। अच्छा, टीजीटी में यहाँ पे टेट नहीं मांगा हुआ है और ना ही एक्सपीरियंस है। पीआरटी में यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मेंशन किया हुआ है, साथ ही में टेट भी आपका क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड ईवीएस के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा पीपीआरटी यानी कि प्राइमरी जो है ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है प्रेप में, वो उनके लिए रिक्रूटमेंट है। ग्रेजुएशन के साथ आपका एनटीटी होना चाहिए। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्रूटमेंट है, ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर नॉलेज एंड साथ ही में एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कोच बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस के लिए है। अप्लाई कैसे करना है इसे आप देख लीजिए। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल विद इन 10 डेज ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना है। एंड यू मे कलेक्ट द फॉर्म इन पर्सनल फ्रॉम द स्कूल ऑफिस। अगर आप लोकल हैं भोपाल के, मध्य प्रदेश के रहने वाले, तो वहाँ पर आप जाकर स्कूल में ही, नियर अबाउट अगर आपके स्कूल है तो आप स्कूल में ही जाकर फॉर्म जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार वेबसाइट पे कि किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन चेक करना है एंड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर आएंगे, BBPS निषादपुरा। यहाँ पर आप करियर के सेक्शन में जब आप आएंगे तो ये नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप डिटेल में खुद से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आएगा। प्लीज़ डाउनलोड इट, फिल इट एंड सेंड इट बाय मेल। मेल के थ्रू आप यहाँ पर bbps.bpl@gmail.com पर या फिर bbps.bpl@yahoo.com पर आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड योर CV टू द अबव मैंशन ईमेल आईडी। तो अपना CV भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। आप मैं इसे डाउनलोड करके एक बार दिखा देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म को जस्ट मिनट, तो यहीं से आप फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया है बट ओपन नहीं हो रहा है वो फॉर्म। आप ट्राई करना, मे भी हो सकता है सेटिंग्स में कोई दिक्कत हो।
तो ये यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शंस हैं, आप CV भी यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं इन दोनों मेल आईडी में से किसी में भी। इसके अलावा फॉर्म जो है डाउनलोड करके उसे आप फिल करके और यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल के रिसेप्शन से भी जाकर फॉर्म कलेक्ट करके उसे फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने बाल भारती पब्लिक स्कूल की वैकेंसी के बारे में बताया, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कॉल करके भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करिए उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।